साहब, आपको भी लगता है ये केस कमज़ोर है, या जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद ये दावा कर रहे हैं कि नाअहल, शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहती है और नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहती है। देखिए, एक तस्वीर तो मैं कर दूँ, जो भी पाकिस्तान का सियासी मोरख तारीख लिखेगा ना, वो ये साबित करेगा कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लाडले अगर कोई थे तो वो शरीफ ख़ानदान था, जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी और इस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट भी। माशाल्लाह, सारी की सारी सियासत उस वक्त से इब्तदा से लेकर आज तक, यानी इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले के तौर पर वो हुकूमत कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ये सलूक हुआ है, बाकियों के साथ भी यही सलूक हुआ, नवाज शरीफ साहब तो ख़ास तौर पर, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तो खुद उनकी तकारीर मौजूद है जिसमें वो कहती रही हैं कि मेरे खिलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट उनको इस्तेमाल